एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बल्लभगढ़ से अगली खबर है, जहां पर नवलू कॉलोनी के पास कुत्ते के बच्चों को कुचलने के एक मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो हाल ही में सामने आया था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने धारा 429 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी राशिद खान को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी की कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह पूरा मामला 12 दिसंबर का है और सबूतों के आधार पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये 12/12/2022 को हमारे पास एक दरखास्त आई थी। कृष्ण कुमार ने एक दरखास्त दी थी, कुत्ते के पल्ले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा। उस पर नियमानुसार कार्रवाई करके FIR कर दी हमने। FIR करके कुत्ते का पोस्टमार्टम करा के उसको दाग दे दिया, दबा दिया गया है। ये घटना जो है बिस्मिल्ला होटल के साथ में जो है खाली जगह का है, वो रशीद खान के खिलाफ थी। वो रशीद खान भी उसकी उसी कॉलोनी में रहता है। इसमें हम 429 लगाई है, 429 IPC की FIR कर दी। हाँ, रशीद खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। रोहतक में हाल ही में सामने आए किडनैपिंग के एक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बीते दिनों यहाँ पर एक BA फाइनल ईयर की छात्रा का किडनैप किया गया था। पुलिस में शिकायत होने के बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद भी कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब पता चला है कि ये मामला एक तरफा प्यार का था। आरोपी युवक के मुताबिक वो युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन जब छात्रा के घर वाले नहीं माने तो उसने ये कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वो जो लड़का अंशुल है, वो इस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की नहीं चाहती थी, वो इसे शादी करना चाहता था, लड़की ने मना कर दिया था। तो उसने अपने साथियों के साथ अपने प्लान बना के महारानी किशोरी पुलिस के गेट के सामने से कार में अपहरण कर लिया था। उसमें जो अपहरणकर्ता थे और जिस लड़की का अपहरण किया था, वो कल से कुशल बरामद कर ली गई है और दो लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो साथी जो उसी जो दूसरे हैं, उनकी तलाश के लिए रिमांड हासिल करने की कोशिश की। 5 लड़के हैं, एक लड़की साथ, लड़की बरामद कर ली गई। अच्छा। 2 की गिरफ्तारी डाल दी गई। मुख्य आरोपी फरहार है। और उधर फरीदाबाद के जाजरू गांव में स्थित एक कंपनी के कमरे की छत गिरने से हादसा हुआ है। छत गिरने से उसके मलबे में वहां का चौकीदार दब गया, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे चौकीदार को निकाल लिया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचे SHO ने बताया कि इस कंपनी में रहने के लिए जगह बनाई गई थी, जिसकी छत अचानक गिर गई। एक चौकीदार इसमें घायल हुआ है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। जाजरू इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका प्लॉट नंबर 32 है। GS इंजीनियरिंग के नाम से ये फैक्ट्री है, इसमें 12 वर्कर टोटल काम करते हैं। ये दिख रहा है ढांचा, ये साथ में रहने के लिए इन्हें अप्रूव बना रखा था। जो आज सुबह है ना, लगभग 9 बजे ये ढांचा गिरा बताया है, जिसमें एक इंजर्ड हो गया है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC News के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।